आईपीएल 2023 के एडिशन की शुरुआत में काफ़ी कम समय, काफ़ी कम दिन बचे, इसी वजह से अब बीसीसीआई ने यहाँ पर वुमेंस प्रीमियर लीग के शेड्यूल के लॉन्च किए जाने के बाद अब आईपीएल का भी यहाँ पर शेड्यूल बीसीसीआई ने लॉन्च या फिर शेड्यूल रिवील कर दिया। बीसीसीआई ने अब आईपीएल 2023 के एडिशन का शेड्यूल अपनी तरफ से यहाँ पर बता दिया है कि किस प्रकार से कौन सी तारीख से आईपीएल शुरू होगा, कब तक आईपीएल चलेगा, किस प्रकार से कौन सी तारीख को आखिर कौन कौन सी टीमों के मुकाबले होंगे, कौन कौन सी वेन्यूज पर मुकाबले होंगे। तो आपको इस वीडियो में आईपीएल शेड्यूल की सारी डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो कुल मिलाकर काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आईपीएल 2023 के एडिशन के शेड्यूल के, आखिर बीसीसीआई ने किस प्रकार से यहाँ पर आईपीएल का शेड्यूल रिवील या फिर रिलीज किया। तो बीसीसीआई ने वुमेंस प्रीमियर लीग का अब ऑफिशियली यहाँ पर शेड्यूल रिलीज कर दिया। वुमेंस प्रीमियर लीग का शेड्यूल रिलीज किए जाने के बाद अब फाइनली आईपीएल का शेड्यूल बीसीसीआई ने कन्फर्म कर दिया, जहाँ पर बीसीसीआई ने यह बताया कि 1 अप्रैल से आईपीएल शुरू होगा। 1 अप्रैल को यहाँ पर आईपीएल का पहला मुकाबला खेला जाएगा, इसके साथ ही 28 मई को आईपीएल का फाइनल होगा। 28 मई के दिन यहाँ पर आईपीएल का हमें फाइनल आईपीएल का आखिरी मुकाबला देखने को मिलेगा। तो 1 अप्रैल से लेकर 28 मई तक ये टूर्नामेंट चलेगा। इसके साथ ही बीसीसीआई ने बताई कि यहाँ पर सभी 200 टीमों के होम ग्राउंड में इन टीमों को इस साल मुकाबले देखने को मिलेंगे, तो मुकाबले खेलने को और यहाँ पर फैंस को मुकाबले देखने को मिलेंगे। तो कोलकाता की टीम ईडन गार्डन, मुंबई की टीम वानखेड़े में, इस प्रकार से यहाँ पर सभी टीमें अपने होम ग्राउंड में मुकाबले खेलेगी। इसके साथ ही बीसीसीआई ने आईपीएल का शुरुआती शेड्यूल कन्फर्म कर दिया, जहाँ पर बीसीसीआई ने बताई कि 1 अप्रैल को हमें यहाँ पर गुजरात टाइटन्स और राजस्थान का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इसके बाद 2 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी की टीमें यहाँ पर आमने सामने ईडन गार्डन में मुकाबला होगा। इसके बाद 3 अप्रैल को आईपीएल की दो सबसे सफल टीमों के बीच मुकाबला होगा। 3 अप्रैल को मुंबई और चेन्नई की टीमें आमने सामने होगी। कुल मिलाकर यहाँ पर शुरुआती 3 मुकाबले धमाकेदार किए गए ताकि आईपीएल के शुरू में यहाँ पर काफी अधिक व्यूअरशिप हो, जहाँ पर कोलकाता आरसीबी का काफी इंपोर्टेंट मुकाबला होगा, मुंबई चेन्नई का भी काफी इंपोर्टेंट मुकाबला होगा। इसके बाद 4 अप्रैल को पंजाब और राजस्थान की टीमें हमें आमने सामने दिखेगी। इसके बाद 5 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें यहाँ पर आमने सामने दिखेगी। इसके बाद अगले दिन यहाँ पर 6 अप्रैल को मुंबई और हैदराबाद की फ्रेंचाइजियों के बीच यहाँ पर मुकाबला होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले दिन 7 अप्रैल की, तो 7 अप्रैल को चेन्नई और आरसीबी की फ्रेंचाइजियां यहाँ पर हमें भिड़ती हुई दिखेगी। तो कुल मिलाकर पहले ही सप्ताह में यहाँ पर 3 से 4 यहाँ पर काफी खतरनाक और काफी बड़े मुकाबले होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर बीसीसीआई ने हाल फिलहाल में तो ये शेड्यूल यहाँ पर बीसीसीआई की तरफ से यहाँ पर निकल कर आया, अब यहाँ पर 2 से 3 दिनों में कंप्लीट शेड्यूल हमें देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर ले, क्योंकि अब जल्दी कंप्लीट शेड्यूल आने वाला है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वो कंप्लीट शेड्यूल हम पोस्ट करेंगे। तो बिना किसी देर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर ले, और आप कमेंट करके बताइए इन मुकाबलों में से आखिर आप कौन सा मुकाबला देखने के लिए सबसे अधिक एक्साइटेड हो। आईपीएल 2023 के एडिशन में आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, अपनी फेवरेट टीम का नाम आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।